ये तो सच है कि मेहनत के बावजूद जब हमें लक्ष्य नहीं मिलता तो भीतर एक ग्लानी होती है। कई बार समय के साथ स्वयं पर से विश्वास डगमगाने लगता है, और इस ग्लानी और अविश्वास में सबसे पहले हम भीतर से ही चीखते हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इससे हमारी मनोदशा और बिगड़ने लगती है। हमारे भीतर उदासीनता आने लगती है, ना कहीं अवसर दिखाई देते हैं ना कुछ भी होता है ना ऐसा। लेकिन क्या ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और इससे ऊपर उठने के लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, उसका उत्तर ढूंढना होगा, और ये कोई और नहीं करेगा। इसके लिए कोई आपको आकाशवाणी नहीं होने वाली है, ये उत्तर आपके भीतर से आना चाहिए। इसका उत्तर हमें अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। तो चलिए हम आप इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। एक बात पूछें आपसे, एक बात बताइए, एक बच्चा है जो चलना सीखता है और वो बार बार गिरता है, तो हमें ये बताइए कि जब वो गिरता है तो हम उसका गिरना देख करके परेशान क्यों नहीं होते? गिर रहा है ना, वो हमें परेशान होना चाहिए, क्यों नहीं होते परेशान, बल्कि हम खुश होते हैं? क्यों ऐसा? क्योंकि इस विषय में हम आप जानते हैं कि चलना सीखने की प्रक्रिया यही है, यह तभी संभलेगा जब गिरेगा और गिर करके खुद ही खड़ा होगा। यह बात आपको पता है, इसलिए आप परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। तो हमने इससे कुछ समझा? देखिए, जब हम तैयार हो रहे होते हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो सब चीजें होती हैं। कई बार हमें मिल जाता है, कई बार हमें नहीं मिलता, कई बार हमें ये लग भी रहा होता है कि हमने खूब मेहनत की है, हमने खूब प्रयास किए हैं, लेकिन थोड़ा देखिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कुछ देखिए, कहीं कुछ छूट रहा होगा जिस पर आप मेहनत न कर पा रहे हो या न समझ पा रहे हो। ध्यान दीजिए, कमी पकड़ में आएगी, कहीं कुछ तो छूट रहा होगा, कुछ तो, जहां पर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, या कि जहां पर जितनी जरूरत है वहां पर उतनी मेहनत न कर पा रहे हो, जहां अधिक आवश्यकता है वहां पर आप पूरा ध्यान न दे पाते हो, उतना ध्यान न दे पाते हो, कुछ तो होगा, कहीं थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलेगा। कहना यह चाहता हूं कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है ये मत कहिए, ये सबके साथ होता है, ये प्रक्रिया ही यही है, सबके साथ यही कहानी है। अच्छा, एक और बात बताइए, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक क्रिकेटर का उदाहरण लेते हैं। आप बताइए, कोई भी क्रिकेटर क्या ये नहीं चाहता होगा कि उसका हर बार शतक लगे? वो नहीं चाहता होगा कि वो अव्वल रहे? वो नहीं चाहता होगा क्या कि क्रिकेट में आज के मैच में उसका कीर्तिमान स्थापित हो? चाहता होगा ना, लेकिन क्या ये हर बार संभव हो पाता है? क्या वो कोई कसर छोड़ता है अपने अभ्यास में? कभी नहीं छोड़ता। वो शतक के लिए मेहनत करता है, अच्छे प्रदर्शन के लिए मेहनत करता है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? चाहे कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, क्या हर बार शतक लगता है? और अगर उसका शतक नहीं बन पाता, नहीं मिल पाता, तो क्या वो मन हारता है? नहीं, दरअसल वो मन नहीं हारता, इसीलिए वो बड़ा क्रिकेटर है। अरे, इन्हीं कोशिशों का नाम तो जिंदगी है। कभी कुछ मिला, कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन लक्ष्य जब हम बना लेते हैं तो हमारे चलने की दिशा तय हो जाती है, और जब लक्ष्य ऊंचा है तो उसके रास्ते भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप ये विश्वास रखिए, आप भले ही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस ओर चलते हुए जो अनायास आप सीखते हैं वो लक्ष्य की ही देन है। एक लक्ष्य आपको कई गुर सिखा देता है, ये याद रखिए। तो आप अपने मन में निराशा मत पालिए, यदि आपका लक्ष्य ऊंचा है तो रास्ता भी बड़ा संपन्न होगा। तो बात समझ में आई? अब तो नहीं कहेंगे ना कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, दरअसल ऐसा सबके साथ होता है। तो बस बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और जब कभी मन हारे तो मेरी ये पंक्तियां दोहराया करिए, भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलझाएगा, यह जीवन गंगा काशी है, यह जीवन गंगा काशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।